पेट्रोलियम पदार्थों में हो रही बेतहाशा वृद्धि का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जुलूस निकालकर विरोध किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि से आम जनता परेशान हो रही है और महंगाई अपने चरम पर चलती चली आ रही है, साथ ही साथ भारतीय किसानों को भी इसकी मार झेलनी पड़ती है। इस अवसर पर भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते वामपंथी दलों के संयोजक जावेद अजीज ने कहा, विकास कल्याण मंत्री है रीता बहुरा जोशी, ये समर्थन में वो लोग आ गए और आज जो भारत बंद है बात का सिलसिला आते हुए मैं कम्युनिस्ट पार्टी वाम दलों के साथ ही जिसमें CPI 80 के लगभग बात, आप जानते हैं आज पूरे हिंदुस्तान में वामपंथी दलों द्वारा जो है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेट्रोल के दाम में, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ पूरे भारत में भारत बंद का आयोजन किया गया है। उसी क्रम में हम लोग गोरखपुर में तीन वामपंथी दल जो हैं CPI, CPIM, CPIML, उनके नेतृत्व में हम लोग अभी जुलूस निकाले थे और यहाँ पर आकर के सभा कर रहे हैं और इस पूरे भारत बंद में अपना हम लोग समर्थन दे रहे हैं और हम लोग आने वाले दिनों में भी एक बड़ा आंदोलन करते रहेंगे। जब तक कि 2019 का लोकसभा का चुनाव नहीं संपन्न हो जाता है तब तक हमारी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और सांप्रदायिक सद्भाव के समर्थन में, सांप्रदायिकता के खिलाफ हम लोग जो है लगातार आंदोलन करते रहेंगे।